हर हर महादेव। मुरैना से एक रामरूप शास्त्री हैं, उनका एक प्रश्न है जो कि सार्वजनिक है और नव दंपति के लिए तो अत्यावश्यक है। देखिए, प्रायः ये लोगों को पता नहीं है, बहुत बड़ा एक विधि निषेध है कि विवाह होने के बाद प्रथम वर्ष में वधू किन किन महीनों में कहाँ कहाँ रहे और कहाँ कहाँ नहीं रहे। जैसे प्रथम मास के जो प्रथम वर्ष के कुछ महीने हैं, ज्येष्ठ, आषाढ़, यदि उस वर्ष अधिक मास पड़ जाए तो, या चैत्र आदि, इन महीने में पिता के घर में रहना शुभ है या पति के घर में रहना शुभ है, तो इसको बढ़िया ढंग से सुनिएगा और लिख लेना, है ना, कि किस महीने में कहाँ रहना शुभ है, कहाँ रहना अशुभ है। देखिए, तो इसकी चर्चा हमारे यहाँ शास्त्रों में है, ज्योतिष शास्त्र में, है ना, और आपके धर्म शास्त्रों में इसकी खूब चर्चा है। तो एक मुहूर्त से संबंधित एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, मुहूर्त चिंतामणि, और जिस पर मुहूर्त चिंतामणि श्री राम दैवज्ञ जी का है और उनके भतीजे श्री गोविंद दैवज्ञ ने उसमें चार चांद लगा दिए हैं पीयूष धारा नाम की टीका करके, जो कि वो पीयूष धारा व्याकरण का, न्याय का, कर्मकांड का तो परिचय देती ही है और वो धर्मशास्त्र का विशेष निर्णय देती है। इस दृष्टि से सर्वशास्त्र सम्मत बहुत अच्छी टीका, जिसका नाम है, ग्रंथ से ज़्यादा नाम उसका हुआ पीयूष धारा का। तो उसमें लिखा हुआ है, देखिए विवाह प्रकरण में, कि ध्यान दीजिए, ज्येष्ठाषाढ़ पौषाधिक मास क्षय मासेषु भर्तृगृहे न स्थातव्यम्। विवाह होने के बाद प्रथम वर्ष में ज्येष्ठ मास में, आषाढ़ महीने में, पौष के महीने में अधिक मास हो, अधिक मास में तथा क्षय मास में, एक क्षय मास और होता है वो बहुत दिनों बाद आता है, तो क्षय मासों में इनमें भर्तृगृहे न स्थातव्यम्, पति के घर में पहली साल नहीं रहना चाहिए। हम एक एक बात की शंका का निवारण करते हुए इसका जो है प्रतिपादन करेंगे, ताकि जो है महिलाओं के, बच्चों के, सबके समझ में आ सके, कन्याओं के भी समझ में आ सके, है ना। तो विवाह तो सबका होना है, या जिस वर्ष में हो गया है वे, और जिनका होना है नहीं तो फिर उनके पुत्रों का, भाइयों का, बहनों का होना है, इसलिए घर में तो विवाह होते ही रहते हैं। पर ये ऐसा नहीं है कि हमारा तो हो गया अब हमें क्या लेना देना है, इसको सुनिए, धारणा बनाइए, समझिए, है ना। तो इन महीनों में ज्येष्ठ, आषाढ़, पौष, अधिक मास और क्षय मास, इन महीनों में पति के घर में नहीं रहना चाहिए, प्रथम वर्ष की बात है, प्रथम ज्येष्ठ विवाह के बाद, प्रथम आषाढ़, फिर एक साल बाद फिर दूसरा आएगा, दूसरी वर्ष का आषाढ़, दूसरे वर्ष का ज्येष्ठ, दूसरे वर्ष का पौष, तब दोष नहीं है, पति के घर में नहीं रहना चाहिए। तो वही कहाँ रहना चाहिए, तो कह रहे हैं किंतु पितृगृह गृह एव स्थातव्यम्, किंतु इन महीनों में अपने पिता के घर में रहना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कह रहे हैं एवं चैत्र मास पितृगृह न स्थातव्यम्, लेकिन चैत्र महीने में पिता के घर में नहीं रहना चाहिए, अपने पति के घर में ही रहना, किंतु भर्तृगृह एव स्थातव्यम् इति, लेकिन पति के घर में चैत्र में रहना चाहिए। अब और सरल शब्दों में सुनिए कि विवाह होने के बाद एक वर्ष तक जो है पहला जो चैत्र आएगा, चैत्र महीना आएगा, चैत्र महीने में पिता के घर में नहीं रुकना है, पति के घर में रुकना है, और बाकी के महीनों में कहीं भी रहें, और कुछ ये ज्येष्ठ, आषाढ़ और पौष, ये तीन महीने और अधिक और अक्षय, ये तो कभी पढ़े कौन नहीं पढ़े, पर ज्येष्ठ, आषाढ़ और पौष तो एक वर्ष में आएगा ही, जब भी आएगा प्रथम बार, तो इनमें जो है पिता के घर में रहना है, पति के घर में नहीं रहना है, चैत्र में पिता के घर में नहीं रहना, ये विधि और निषेध के हिसाब से इस बात का वह पालन किया जाए। अब इसमें एक शंका है, उसको करके फिर आगे चलते हैं। जैसे किसी का विवाह ही ज्येष्ठ महीने में हुआ, ज्येष्ठ में विवाह होता है, वैशाखी तथा ज्येष्ठ,
पत्य और अत्यंत वल्लभ, उसका फल लिखा है पति को अत्यंत प्रिय होती है और आषाढ़ में भी विवाह होता है, तो क्या किया जाए? तो पति के घर में विवाह होकर के तो जाएगी, क्या नहीं ले जाए? बोले विवाह होने के बाद तो जा सकती है। विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में 10-12 दिन तक या जो भी कुल की परंपरा होती है उतने दिन तक वो प्रथम जो है पति के घर में पहुंच जाती है, उसके बाद फिर पिता के यहाँ आ जाती तो फिर नहीं जाए। तो अर्थात ज्येष्ठ में आषाढ़ में द्विरागमन नहीं करे। एक बार चला गया तो ठीक है, अगर किसी किसी मुख्य तो ये कि विवाह हो जाने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि वधू के घर में जाए, कि विवाह का मुहूर्त अलग है और वधु प्रवेश का मुहूर्त अलग है और द्विरागमन का अलग है। अगर कोई चाहे कि ज्येष्ठ में विवाह हो गया तो हो गया, हम नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि निषिद्ध तो और अच्छा है, मुख्य बात है विकल्प है जी कि चलो एक बार घूमे आए फिर अब दोबारा नहीं बुलाना है, दोबारा द्विरागमन नहीं करना है प्रथम मास प्रथम वर्ष में, ये है तो ये निषेध है। अब कह रहे हैं कि यदि ऐसा अगर किसी ने किया तो क्या फल है इसका? ज्येष्ठ आषाढ़ पौष में जो है भर्ता के घर में जो है रही तो क्या फल हो जाएगा उसका? तो कह रहे हैं देखिए मूल चिंतामणि का 7वें प्रकरण विवाह प्रकरण का यह 3रा श्लोक है कि ज्येष्ठे पति ज्येष्ठ मथाधिके पतिम हंत्यादि में भर्तृगेहे वधू शुचौ शुश्रूम श्वश्रूम सहस्ये श्वशुरम क्षये तनुम तातम मदौ तात गृहे विवाह। ये कह रहे हैं कि ज्येष्ठे पति ज्येष्ठम, अगर ज्येष्ठ मास में यदि वधू अपने पति के घर में रहती है तो पति ज्येष्ठम, पति के ज्येष्ठ पति से ज्येष्ठ जो भ्राता है यानी अपने ज्येष्ठ का हनन करती है। और आषाढ़े श्वश्रू है ना, श्वश्रू का आषाढ़ में अपनी सास का नाश करती है, पौष में श्वशुरम सहस्य माने पौष होता है तो पौष में श्वशुर का नाश करती है। पौष मास में पति के घर में नहीं रहना चाहिए नहीं तो श्वशुर का नाश हो जाता है। और अधिक मास से पति नाश, अधिक मास में यदि पति के घर में रहती है तो पति का नाश होता है, इसलिए अगर जिस कन्या का विवाह हुआ हो या जिस वधू का अपने पति के यहाँ विवाह होके आया हो तो अगर पहला ज्येष्ठ अधिक मास पड़े तो उसको अपने पति के घर में जाना चाहिए। विद्वानों का ये मत भी है कि प्रथम वर्ष में तो अधिक मास नहीं हो तो दूसरी तीसरी मास में जब भी पहला अधिक मास आए तो पहले अधिक मास में पति के घर में न रह करके पिता के घर में रहना चाहिए। कुछ विद्वानों का ये मत है कि प्रथम वर्ष में ही यदि अधिक मास हो तो ऐसा करना चाहिए और दूसरी वर्ष में अधिक मास हो तो कोई ऐसी खास विचार की बात नहीं है, ये भी बात है। और छह मास में, एक छह मास भी होता जिसकी चर्चा भी हमने की थी, छह मास में यदि वधू पति के घर में रहती है तो अपने खुद का नाश करती है, अपने शरीर का नाश करती है, तो ये बात है। खास रूप से इस श्लोक में जो नाश आया है कि भाई नाश उसका नाश हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, तो हंत्यादि में ज्येष्ठ ज्येष्ठे पति ज्येष्ठ मताधिके पतिम हंति आदि में हंति हन धातु का प्रयोग किया गया है, तो बोले हन का यहाँ अर्थ ये है कि विशेष क्षति होती है, कोई जो है अनिष्ट होता है, कोई वधू मृत्यु से संबंध नहीं है, ये महान हानि की बात है, महान हानि होती है किसी भी रूप में हो सकती है। कोई कहे भाई हमारा तो ऐसा हुआ था हम तो मरे नहीं, तो किसी ने प्रकार की कोई अपमानजनक या धन से संबंधित, पशुओं से संबंधित, समाज से संबंधित किसी भी प्रकार से हानि हो सकती है, माने महान हानि की वह कल्पना की गई है, विधान किया गया है। तो यदि कोई कहे कि हम जिस महीने में लिखा है ज्येष्ठ में पति के घर में नहीं रहना चाहिए तो ज्येष्ठ का नाश होता, और किसी के ज्येष्ठ पहले से ही हो ही नहीं है ना, वो पति एक ही उसका हो या वो खुद ही बड़ा हो और तो सब छोटे हैं,
तो जे बड़ा तो ज्येष्ठ तो है ही नहीं कोई, या किसी की सांस पहले से ही नहीं है, स्वर्ग का जो है पहले से ही जो है स्वर्गवास हो रखा है, ऐसी ऐसी स्थिति में क्या है? तो कहते हैं यदि कन्याया पित्राद्या भावस तदा तत्तन्मास्ते तद्गृहे गेहावस्थितौ सत्यामपि न कोपि दोषः इत्यर्थः। अगर किसी कन्या का पिता ही नहीं है तो चैत्र मास में वो जो वहाँ पिता के घर पर रहे ना रहे तो ये कोई नियम लागू नहीं रहेगा। ये बात हो गई, जैसे बताया कि चैत्र मास में पिता के घर में नहीं रहना चाहिए, परंतु वो पिता ही नहीं है तो वो क्योंकि ये नियम है व्याकरण का भी कि निमित्ता पाए नैमित्त कश्याप्य पाया, जब निमित्त ही नहीं रहा तो नैमित्त को उससे संबंधित कार्य कैसे होगा, उसका भी पाय हो ही जाएगा। तो इन इन महीने में ये ध्यान रखना चाहिए, ये जो है जो निर्णय बताया ये धर्म सिंधु में भी लिखा हुआ है, ये पारस्कर गृह सूत्र में हरिहर भाष्य में लिखा हुआ है, मुहूर्त मार्तंड में, ज्योतिर्निबंध में, ज्योतिष से संबंधित ग्रंथों में, पीयूष धारा में, मुहूर्त चिंतामणि में, कर्मकांड प्रदीप में, कई जगह इसकी चर्चा है। तो ये ध्यान रखना और इसका पालन अवश्य ही होना चाहिए, इसमें कोई खास बात नहीं है ना। किस महीने में कहाँ रहना है ये विचार है, पति के घर में मुख्य रूप से 3 महीने का है और सबको मिला करके अधिक ज्येष्ठ को मिला करके 5 महीने की बात है। ठीक है, हर हर महादेव।